देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल आजादी के पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के हर घर पर 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा यह अभियान केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसमें हर नागरिक को अपने घर के ऊपर तिरंगा ध्वज लहराने का मौका दिया गया है, जिसके तहत सभी नगर वासियों ने इस दरमियान अपने घरों की छतों के ऊपर तिरंगा ध्वज लहराना चाहिए। इसके लिए बड़े पैमाने पर गांव, कस्बों, शहर में जन जागृति कर इस अभियान की जानकारी पुलिस विभाग की ओर से दी जा रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस विभाग की ओर से रविवार को हर घर तिरंगा अभियान की जानकारी लोगों तक पहुंचाने हेतु पुलिस पाटिल, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार इन सभी को पार्श्वनी पुलिस विभाग की ओर से निशुल्क तिरंगा ध्वज वितरित किया गया, जिसके चलते तिरंगा ध्वजारोहण नियमावली को जानकारी दी गई। वहीं पुलिस मित्रों को टी शर्ट भेंट स्वरूप प्रदान की गई। इस मौके पर पत्रकार विजय भूते, पत्रकार रूपेश खंडारे, डॉक्टर प्रमोद भड़, महिला पुलिस पाटिल, पुलिस पाटिल, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पोलिस स्टेशन पार्श्वनी मार्फत सर्व जो 75 अमृत महोत्सव है शासनाने जे ठरवून दिलेला अधिसूचना वगैरे या मार्फतीने हर घरोघरी तिरंगा हे अभियान सर्व नागरिकांनी त्यांच्या घरावरती झेंडा फडकावा आणि यासाठी पोलीस विभागातर्फे शाळेमध्ये तसेच प्रभात फेरी काढून पोलीस पाटील सामाजिक संस्थेमध्ये जे एन जी ओ ते तसेच आपले सर्व मोहल्ला कमिटी सदस्य यामार्फत त्यांना जनजागृती करण्यात आलेली आहे आणि स्वतंत्रता अमृत महोत्सव हा सोहळा आनंदाने साजरा करावा। तसेच या 75 अमृत महोत्सवानिमित्त पोलीस विभाग तसेच महसूल विभाग आणि ग्रामविकास विभाग यामार्फत 1-9 तारखेला मोठ्या प्रकारे दौडचं आयोजन केलेलं आहे। तसेच या तिन्ही विभागातर्फे पार्श्वनीमध्ये प्रभात फेरी काढण्यात येणार आहे आणि चांगल्या प्रकारे जनजागृती करण्यात येणार आहे। पार्श्वनी से BCN न्यूज के लिए संवाददाता रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।